ओए मुन्ना हम लोग चले स्कूल ट्रिप पे। ए भैया मजा आएगा। ओए ये क्या दोस्तों स्कूल ट्रिप पे आ भी गए? ए भैया ये मुझे पिछली वाली स्कूल ट्रिप जैसे क्यों लग रही है? ओए मुझे भी नहीं पता, पता नहीं यहाँ पे आखिरकार चल क्या रहा है। ओए वही तो भैया। ए भैया हम लोग कोई स्लेट पार्क है वहाँ जाने वाले लगता है। ओए चलो फिर मोटरसाइकिल लेके चलते हैं दोस्तों, मजा आएगा। अब भैया बाइक से तो जाएंगे ना, उठा लो भैया कोई भी बाइक। ओए मैंने उठा ली है, चल तेरी तो, मुझसे तेज मत जाइयो। ए भैया आप मुझे फॉलो करो। फॉलो मेरा कद्दू का फॉलो करेगा। ओए ये क्या आगे हिल से मुन्ना? हाँ तो डरते हो क्या हिल से? आ जाओ। ओए ये क्या भैया ब्रेक मार के चलना पड़ेगा। अरे मुन्ना तू बाइक चला लेता, मुझे पता नहीं था। ए भैया आपसे अच्छी बाइक चला लेता हूँ मैं। ओ अच्छा, मेरे से अच्छी बाइक कोई नहीं चला पाता आज तक। और इधर दो रास्ते हैं, लगता है इस वाले में जाना है। लेट्स गो भैया इधर आओ। ओए हाँ उधर तो पता नहीं क्या था, बैरियर लगा था। ए भैया लगता है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होगा। ओके भैया हम लोग को एक्चुअली भी हिल में ही जाना है ना। अरे अरे ये क्या गिर गया? अरे बाप रे पत्थर ही पत्थर गिर गए। ए भैया आपको लगी तो नहीं ना? ना बच गया, बाल बाल बचाओ मुन्ना मैं। बाप रे दोस्तों ऊपर से इतने पत्थर गिरे कि बैंड बजा दी पत्थरों ने। ए भैया इधर भी कुछ हो सकता है। बाप रे कैसी ट्रिप है भैया ये, पता नहीं। ओए ये साइन किस चीज का है? ए भैया इधर देखो डेंजर का साइन है। ओए यही साइन तो पीछे भी लगा हुआ था। पीछे तो नहीं देखा मैंने। ओए तूने नहीं देखा, मैंने देखा है। जल्दी आओ यार भैया, कम ऑन क्या कर रहे हो यार। ओए मैं आ रहा हूँ, रुक जा। ए भैया आई थिंक सब लोग को इस जीप से चलना चाहिए। ओए जीप? कौन सी जीप? ए भैया इस पे बैठ कर। यार ये जीप चलती भी नहीं है, रहने दो भैया बाइक से जाना पड़ेगा। बाइक से ही जाना पड़ेगा, लेट्स गो भैया। टनल बड़ी ही डरावनी लग रही है गाइस, देखते हैं क्या होता है टनल के अंदर। ओए मुन्ना मेरे लिए रुकियो, डर लग रहा है मुझे थोड़ा थोड़ा। अरे थोड़ा थोड़ा क्यों लग रहा है भैया? ए पहुंच गया भैया टनल के पार ही, हम लोग की मंजिल है। उतर के जाना पड़ेगा क्या? बाइक गायब हो गई रे। ओए बाइक लगता है अपनी डेस्टिनेशन पहुंच गई दूसरे। अरे ये कौन आ रहा है? ए भैया यही तो फील्ड ट्रिप एडवाइजर हम लोग का। ओए यही है। ओए दोस्त कैसा है? मिस्टर क्या नाम है इसका? पता नहीं क्या नाम है, अपना नाम नहीं बताया इस भैया इसने। ओए दोस्तों आज हम लोग किसी स्लेट पार्क में। ओ इसका नाम जेफ है। ओह हाँ जेफ है गाइस का नाम। चलो इसने अपना नाम तो यहाँ पे बता दिया। तो गाइस आज हम लोग कैंपिंग करने वाले हैं मस्त साइड। ओए कैंपिंग मस्त साइड? ओए कैंपिंग साइड में जाने वाले हैं नूबड़े। अरे मतलब भैया कैंपिंग मस्त तरीके से करने वाले हैं। ये देखो वो देखो भैया हम लोग का घर कितना मस्त लग रहा है ना, तो यहीं पे हम लोग कैंपिंग करेंगे। हाँ लग तो यही रहा, लेट्स गो। तो भैया कैंप फायर जलाया जाए मस्त तरीके से। ओए कैंप फायर अभी थोड़ी जल जाएगी, थोड़ा सा अभी मुन्ना सोते होते हैं, रात में मस्त कैंप फायर जलाएंगे। आज अपना कैबिन देख लेते हैं। ओह वैसा सही लग रहा है इधर तो। ये चाकू कहाँ से आ गया? अरे ये यहाँ पे क्या हुआ? हेलो जेफ ये क्या चीज है? लगता है खिलौना भैया। हाँ मुझे भी लग रहा है मुन्ना खिलौना ही होना चाहिए। क्या ही फर्क पड़ता है, तो सो भी गया। चलो भैया आप भी सो जाओ, गुड नाइट। ओए गुड नाइट की क्या जरूरत है, लेकिन उधर एक नाइफ पड़ा हुआ था मुन्ना, मैं अभी भी थोड़ा सोच रहा हूँ। ओए अरे यार चलो भैया वो नाइफ ऐसे ही है। वो देखो बोल रहा है शार्प नहीं है, सो जाओ भैया। ओए लेकिन ठीक है लगता है दोस्तों टॉय है। हालांकि इस पे भैया ब्लड लगा हुआ था तो अलग बात है। ओए भैया वो जस्ट बोल रहा था जस्ट डर्टी स्टेन। ओए वो जंग लगा हुआ चाकू तो नहीं लग रहा था। ओके भैया सबसे पहले बाथरूम एरिया भी देख लेते हैं। ओए हाँ बाथरूम देखना जरूरी है दोस्तों, नहीं तो रात में हम लोग बाथरूम लग गए तो फिर क्या बोलेंगे। चलो गाइस देख के आते हैं। एमरजेंसी में भैया जरूरी रहता है ना। ओए ये बाथरूम ले जा रहा है। अरे ये कैसा बाथरूम है? बाथरूम के लिए ब्रिज पार करना पड़ेगा, मैं नहीं रात में जाने वाला। भैया अगर सूसू लगी आपको तो? ओए तो क्या होगा, ठीक है सुबह कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भैया आप रहने दो, मैं तो जाने वाला हूँ। ओए पागल है क्या तू? और बाप रे दोस्तों ये बाथरूम बड़ी ही डेंजर जगह में है। चलो चलो। अरे बाप रे यही पे ये रहा भैया। ओह हाँ एक्चुअली में इधर ही है। ओके गाइस हियर इज द बाथरूम एंड हम लोग अंदर जा सकते हैं। वो इस वाले में। अरे ये क्या तू क्यों आया है? ओके ठीक है भैया आप आराम से करो। ओए मैं करने नहीं आया था, मैं तो बस देखने आया था। अरे ये क्या भैया? अरे ये क्या है हड्डी? ओए तूने भी देखा जो मैंने देखा? देखा भैया पता नहीं क्या था। बाप रे दोस्त मैं डर गया। भैया वो क्या था यार? वो इतना बड़ा हड्डी क्या था? बाप रे ये जगह सही नहीं लग रही मुन्ना, हम लोग कैबिन में लौटना चाहिए। मुझे भी लगता है। हे भैया ये मुझे जेफ के ऊपर कुछ गड़बड़ लग रही है। ओए गड़बड़ घोटाला लग रहा है मुझे तो। चल 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 मुन्ना चल यहाँ से निकलते हैं, जल्दी सही रहेगा, मोटर बाइक भी नहीं है। ए भैया आज की रात हम लोग कैबिन में बिताते हैं, फिर सुबह यहाँ से निकल लेंगे, ज्यादा सही रहेगा। हाँ मुझे भी लगता है।
तो दोस्तों रात हो चुकी है, अभी हम लोग यहाँ पे कैंप फायर जलाने वाले हैं। मुन्ना मुझे तो नींद ही नहीं आ रही थी। मुझे भी भैया। भैया कैंप फायर के लिए हम लोग को वुड कलेक्ट करनी पड़ी। वो कौन था भैया, देखो उधर। ओए कौन है? ए उधर देखो भैया, कोई तो था। वो देखो जा रहा है। ओए कौन जा रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा। अरे उधर देखो भैया, यार अंधे हो क्या? ओह एक्चुअली में कोई दिख रहा है। अरे वो कौन है, उससे पूछिए जेफ से। ओए कौन है वो? ये पता नहीं भैया कौन है। ये तो भैया कैंप के राउंड घूम रहा है। चलो भैया अब लोग को तो वुड कलेक्ट करनी है ना। ओए लेकिन अरे ये क्या मुन्ना बच गया, ट्रैप पे फंस गया। अरे नूबड़ा ही रह गया दोस्त मेरा भाई, अब क्या ही बोला जाए, ट्रैप खतरनाक है। चलो गाइस वुड कलेक्ट करनी है, एक कलेक्ट कर लिया। ए भैया इन ट्रैप से बचना। ओए तू मुझे समझा रहा है? हाँ तू मुझे समझाएगा। ओके भैया 3 ऑलरेडी मैंने कलेक्ट कर ली है, 4th इधर आई थिंक सो। हाँ मिल गई भैया, 4th वुड भी मिल गई। ओए रुक जा मैं आखिरी ढूंढ के लाता हूँ। बाप रे दोस्तों घना जंगल है। ओए मिल गई मुन्ना, मिल गई। चलो भैया आता हूँ मैं कैंप के पास, जल्दी आ कैंप फायर जलाएंगे। मस्त दोस्तों इस ट्रिप में पता नहीं एक मैडम जी भी आई थी, लेकिन वो पता नहीं रास्ते में कहीं कूद गई बस से। चलो भैया आखिरकार कैंप फायर जल नहीं लगी है। ओए मजा आ रहा है दोस्तों, वैसे ट्रिप मुन्ना वर्थ इट हो जाएगी अगर कुछ दिक्कत ना हो तो हमारे साथ। दिक्कत क्या होगी भैया, बैठे रहो ना। हे हमारे साथ जेफ भी तो ना, जेफ के ऊपर तो मुझे अभी से ही गड़बड़ लग रही है। भैया वो तो कहीं जा रहा है, बाथरूम जा रहा है, उसके पीछे जाएगा क्या अब? नहीं जाओ जेफ, हल्के हो गया। मुन्ना जेफ तो गया, ये बता तेरा फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर प्लान कैसा भैया? ओए फ्यूचर में कुछ करना वरना भी है कि नहीं? मुन्ना मैं एक बिजनेस के बारे में सोच रहा था। भैया अभी मैं आराम करना चाहता हूँ, फील्ड ट्रिप पे आया फिर भी बिजनेस रिलेटेड बातें। मुन्ना बिजनेस बहुत जरूरी है, बिजनेस पैसे कमाने हैं मुझे। टेंशन मत ले, तेरा भैया तुझे कमा के देगा। जब तक तेरा भैया तेरे साथ है तुझे कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू भैया। अरे ये क्या, ये तो बारिश होने लगी। अरे यार ये बारिश हो जाने से कैसे हो गई, इधर आओ भैया। ओए चल 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 अंदर, चल अंदर चल, जल्दी आओ भैया अंदर आओ। अरे बाप रे ये तो एसिड रेन थी। वही तो भैया हेल्थ ले गई रे, बाप रे। ओए उस जेफ का क्या हुआ? ए भैया वो अभी भी बाहर है। बाहर है तो तुझे लगता है वो सेफ होगा? हाँ भैया बाथरूम करने गया तो है। सेफ ही होगा और क्या हो। ओए चल वेट करते हैं तब तो। हाँ मैं भी वेट ही कर रहा हूँ भैया। ये रेन भैया पता नहीं पूरा ट्रिप खराब कर दे रही है। ओए टेंशन मत ले मुन्ना, कुछ नहीं होगा। ओए लगता है दोस्तों जेफ को ढूंढना ही पड़ेगा, पता नहीं कहाँ चला गया, आई तो थी उसकी आवाज। भैया ये क्या हो गया? भैया जेफ को किसी ने मार दिया। ओए जेफ मर चुका दोस्तों, ये क्या हो गया? ओए किसी ने इसको मार दिया क्या? पता रे भैया, अरे बाप रे इसके तो अंजर पंजर ढीले कर दिए। ओए चल 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 मुन्ना यहाँ से निकल जितना जल्दी हो सके तो। हे भैया हम लोग कहाँ से आए थे? ओए हम लोग कहाँ से आए थे, टनल से आए थे। चल मुन्ना चल। हे भैया उधर है टनल। ओए टनल तो उधर है। ओए चल चल आप किधर चले? हे भैया जंगली जंगल भागेंगे, लेट्स गो, भागो भैया यहाँ से। ओए मुझे तो डर लग रहा है। ओए मुन्ना तू आगे रहियो, मैं तेरी यहाँ पे सुरक्षा करूंगा। अरे आप ही आगे आ जाओ भैया। ओए ऐसी कोई बात नहीं। अरे ये तो बंद है। ए यार ये क्या भैया, अब क्या करें? ओए अब इसको खोलना पड़ेगा। और क्या क्या कैसे खोलोगे भैया, पत्थर है यार। ओए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। ओए या तो मुन्ना हम लोग किसी को रेस्क्यू के लिए बुला सकते हैं। ए भैया तो फोन उसके लिए होना चाहिए ना। ओए कैबिन में शायद से एक फोन था। चल 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 मुन्ना जल्दी कैबिन में चलते हैं और फोन करते किसी को हम लोग को बचाने के लिए। ए भैया कोई लगता है कोई इधर आएगा। अरे ये कैबिन के पास कौन है मुन्ना? पता नहीं कोई तो। हेलो हेलो ये तो भूत लगता है। अरे ये तो भूतिया, भागो यहाँ से। बाप रे भागो भागो भैया। अरे बाप रे बैंड बजा दी इसने तो। भैया आप सेफ रहिएगा वहाँ पे। ओए ठीक है तू बच के रहियो। भैया बचाओ मार रहा है ये तो। ओए तेरी पूजा थोड़ी करेगा, निकल ले वहाँ से। पीछे लगाएगा इस, बचाओ कोई। ओए भाग मुन्ना भाग, तू जितना तेज भाग सकता है उतना तेज भाग, क्योंकि आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। ऐसा मत बोलो भैया। गाइस मैं भाग रहा हूँ, लेट्स गो भागो। ए भैया आप सेफ तो ना। ओए मेरी टेंशन मत ले, मैं तेरे को बचाने के लिए आ रहा हूँ। भागो भागो भागो। ये खुल गया। अरे खुल जा सिम सिम। सेफ हूँ मैं। ओए मुन्ना मेरे लिए रुक जा, मेरे पीछे पड़ा हुआ है, जल्दी आओ भैया। ओए आ गया। बाप रे ये जूस मुन्ना वहां गिर गया था एक्चुअली में। अरे यार भैया आप पागल हो क्या? ओए पागल क्यों मैं जूस के लिए रुक गए थे भैया, पीछे पता नहीं कौन था, धरिंदा पड़ा हुआ था, भूत था भूत।
भूत ही था भैया, बच गए। हे चलो भैया यहाँ से निकलते हैं फटाक से। ओए अब तो कैबिन में जा सकते हैं। वही तो भैया कैसे जाएंगे? ओए मुझे भी नहीं पता। बाप रे दोस्तों, वो दरिंदा लिटरली पीछे पड़ गया था वो। ओए चलो दोस्तों अब यहीं से आगे बढ़ें, क्योंकि हम लोगों को कैबिन में लौटने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि दोस्तों मॉन्स्टर उधर ही मंडरा रहा होगा। ओए मुझे भी लग रहा है। बाप रे भैया, ए भैया इतने सारे गेट्स हैं, किस पे जाए हम? ओए ये तो डाउट वाला सवाल हो गया, किस पे जाए? ए भैया राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। ओए मुन्ना हम लोग को ऑलवेज राइट जाना चाहिए, ठीक है? ओके भैया मैंने आपके ऊपर विश्वास तो कर लिया, देखते हैं भरोसा आपका ये कायम रहता है कि नहीं। ओए बिल्कुल मुन्ना, राइट में ही हम लोग जीतेंगे एक्चुअली में। ओके लेट्स सी गाइस। ओके भैया होपफुली कि हम लोग सही पहुंच जाए, सही सलामत भी पहुंचेंगे, टेंशन मत ले। ए, ये खुल क्यों नहीं रहा? ओए खुलेगा, खुल गया। अरे ये क्या, ये तो फूटा टूटा ब्रिज है। बाप रे इतना टूटा ब्रिज, मैंने तो पहली बार देखा। वही तो, नीचे लावा पहली बह रहा है। चलिए भैया आ जाइए फटाक से, ये तो खतरनाक ब्रिज है। लेट्स गो ऊपर चलते हैं। बाप रे दोस्तों सीढ़ी मिल चुकी है, लगता है मंजिल हम लोग की पार हो चुकी। अरे ये क्या, ये कौन है? ये तो मर चुकी है। मैडम जी किसने मार दिया? मैडम जी लगता है यहाँ से पार कर रही थी दोस्तों, बैंड बजा दी गई। हे भैया मुझे लगता है इसको भी हमारी तरह दिक्कतें थी यार इस जगह से। ओए हाँ मुझे लगता है मैडम जी भी वैसे ट्रैप हो चुकी है। हे भैया क्या लगता है इधर एक मॉन्स्टर है? ओए मॉन्स्टर, अरे मॉन्स्टर ही ऐसी हाल कर सकता है, कोई तो दिख रहा है दोस्तों। अरे ये तो वही कैंपिंग वाला है मुन्ना। ए भैया मैंने देखा था इसको। ओए वही तो। ये क्या है, जैच नोलन? ये कौन है? पता नहीं भैया, लगता हम लोग को यहाँ से निकलने नहीं देगा। ऐसे कैसे नहीं निकलने देगा, मैं निकल के रहूंगा। अरे ये क्या, पीछे के भी रास्ता बंद हो गया मुन्ना, अब नो चांस। ए भैया नो चांस, ऐसे कैसे नहीं यहाँ? ओए मुन्ना भीख मांगना बंद कर दे। ये तो क्या करो भैया? ओए दोस्तों अब इसकी बैंड बजाएंगे और कुछ नहीं। ओए चलो फिर ठीक है भैया, लेकिन ये हम लोग को मारने के लिए एक्चुअली में आ रहा है। अरे इसके पास तो चाकू है, हैं? मार दिया क्या? मार दिया, पूरा गए। ओए ये तो बैड एंडिंग हो गई फिर तो। हाँ मुझे भी लग रहा है। हे गाइस तो अगेन यहाँ पे स्पूकी ट्रिप में बैड एंडिंग हुई है, तो आई थिंक सो भैया मुझे लेफ्ट चूज करना चाहिए था। आप ही बोल रहे थे ना ऑलवेज गो फॉर राइट। ओए वो तो जाना ही चाहिए। ए यार भैया पूरा मूड खराब कर दिया। चलो गाइस कोई बात नहीं, हम लोग अगली बार इस ट्रिप को जरूर कंप्लीट करेंगे और इन मॉन्स्टर को ठिकाने लगाएंगे। ओए मुझे जाना ही नहीं है, मर्डरर घूम रहा है वहां पे। ये बात तो है। चलो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी गाइस वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय दोस्तों, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।